हेलो फ्रेंड्स, आई एम संचित। वेलकम टू आवर चैनल ब्रीदिंग स्पेस। इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट सिलोशिया। इट्स अ ब्यूटीफुल समर प्लांट, बहुत अच्छे फूल देता है। जैसे वेलवेट हो वैसे देता है। आप देखेंगे तो ये एक ऊपर क्राउन की तरह निकल रहा है और ये हर एक पत्ते के साथ जो एक नोड पॉइंट होता है वहाँ से भी एक एक फ्लावर निकलेगा। तो क्योंकि ये मेरा पॉट है जिसके अंदर मेरे पास रोज का प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इसको ट्रांसप्लांट करूंगा अभी मेरे इस पॉट से इस नए वाले पॉट के अंदर जो मैंने तैयार कर लिया है। पॉटिंग मिक्स के लिए मैंने इक्वल क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, रेत, कंपोस्ट और कोकोपीट लिया है। गर्मियों में कोकोपीट बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी सोख कर रखता है अपने पास वो, तो प्लांट्स को कभी भी कमी नहीं होती है। आप अगर एक दिन में एक बार भी अच्छे से पानी देंगे तो प्लांट्स पूरा दिन चल जाएंगे। ठीक है, तो टू बिगिन विद ये मेरा प्लांट है जिसको मैं अभी निकालूंगा। निकालते टाइम हमको बहुत केयरफुली निकालना है कि इसका जो रूट्स हैं वो इम्पैक्ट ना हो। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरा एक एग्जिस्टिंग पौधा भी साथ में लगा हुआ है इसके, और ये बहुत ही मैं लेट हो गया निकालने में, तो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो ये इसका रूट्स निकल गई हैं। अभी इनकी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो आप एक पॉट में मल्टीपल प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ये मैंने दूसरा भी निकाल लिया है। देखिए इसकी रूट बॉल पूरी इंटैक्ट है। ये है मेरा तीसरा। अभी मैं इस गमले में ये तीनों के तीनों प्लांट्स लगाऊंगा। अगर आप देख रहे होंगे एक टिप कि गर्मियों में मल्चिंग हमको जरूर करनी चाहिए अपनी मिट्टी की, विच मीन्स कि जो भी हमारे पास सूखे पत्ते होते हैं, अभी तो सूखे पत्ते बहुत आ रहे हैं हमारे पास, हम अपनी मिट्टी के ऊपर थोड़ा फैला के रख दें ताकि जो इवेपोरेशन है मिट्टी से पानी की वो थोड़ी कम हो जाए। साथ में रखता हूं। द बिगेस्ट प्लांट मैं इसको बीच में डालूंगा ना, क्योंकि इसकी रूट सिस्टम इतना ज्यादा भी डेवलप नहीं होता है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमको इसको जो सपोर्ट देना है वो काफी अच्छा होना चाहिए ताकि ये प्लांट गिरे नहीं। जो बाकी के दो छोटे छोटे प्लांट्स थे इनको मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी पौधा हो उसको आप गमले के साथ एकदम सटा के मत लगाइएगा, क्योंकि अगर कभी गर्मी ज्यादा होती है और आपका पॉट ज्यादा गर्म हो जाए तो आपके स्टेम जलने से थोड़ी बच जाए, तो थोड़ा सा गैप रखिएगा। और अगर आप गैप मेंटेन नहीं कर पाए ज्यादा तो कोई भी एक प्लास्टिक लेके हल्का सा यहाँ पे आप साइड में ऐसे करके लगा सकते हैं ताकि ये जो इसकी स्टेम है ये इससे टच ना हो। और यहाँ पर मैं लगा दूंगा तीसरा पौधा। हो सकता है जब आप इसको पानी दें तो, क्योंकि इसकी अभी स्टेम भी बहुत पतली है, मैंने पहले बोला कि रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होता है इनका, तो ये प्लांट्स थोड़े से गिर जाएं एक तरफ को पानी से, तो आप किसी भी एक छोटी सी लकड़ी का सहारा लेके इसको लगा सकते हैं ताकि ये कुछ एक हफ्ते के लिए सीधा खड़ा रहे और उसके बाद ये अपने आप रिकवर कर सकता है।
एक जो नॉर्मल थंब रूल रहता है हमारा, हर एक ट्रांसप्लांट के बाद वी हैव टू वाटर इन थोरोली। इससे जो ट्रांसप्लांट शॉक होता है, प्लांट को जो लगता है अपने एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट पे आने का, वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। तो इट विल टेक अराउंड 2 or 3 minutes टू सेटल इन। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ब्रीथ इजी। बाय बाय।